स्टार्ट करते हैं। राधा खेल रही है, सेकंड राहुल सो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। अभी देखिए इसमें राधा क्या कर रही है, खेल रही है, ठीक है। राहुल क्या कर रहा है, सो रहा है और घोड़ा दौड़ रहा है। तो राधा क्या काम कर रही है इसमें, वो खेल रही है। राहुल क्या कर रहा है, सो रहा है और घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये तीनों जो है अपना अलग अलग जो है क्रिया कर रहे हैं और अलग अलग इनमें हमें काम जो है ये कर रहे हैं ये बताया गया है। तो वाक्य को भी पढ़कर पता लग रहा है कि सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, वाक्य में जब हमें पता चलता है तो उसमें हम ये कहूँ क्या होती है हमारी क्रिया। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई भी वाक्य अगर आप ये देखिए, अगर हम इस वाक्य में राधा खेल रही है, अगर हम इसमें ये ना लिखें कि खेल रही है, सिर्फ राधा है ना, तो ये राधा तो एक शब्द बन गया। लेकिन अगर ये वाक्य कब होगा, वाक्य पूरा तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई क्रिया होगी। क्रिया ही वाक्य को पूरा करती है, जो क्रिया होती है वही हमारे वाक्य को पूरा करती है। दौड़ना, चलना, खाना, सोना, बैठना, लिखना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि सभी क्रियाएं होती हैं। ये सब हम क्रिया करते ही रहते हैं। याद रखो क्रियाएं बहुधा वाक्य के अंत में ही आती हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है, राधा जलेबी खा रही है, लड़के खेल रहे हैं, मम्मी फोन पर बातें कर रही हैं, दीवार पर कबूतर बैठा है। हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में ही, लास्ट में ही क्रिया जो है लगती है। जो भी वाक्य होगा क्रिया कहाँ होगी, लास्ट में, और क्रिया के बिना हमारा वाक्य भी पूरा नहीं होता। टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31। याद रखो अलग अलग चीजों व जंतुओं की आवाजें अलग अलग होती हैं। ये आवाजें भी क्रिया की तरह ही प्रयोग की जाती है। हर अलग अलग चीज की या जंतुओं की, जीव जंतुओं की आवाजें जो है अलग अलग होती हैं। तो ये जो आवाजें होती हैं ये भी हमारी क्रिया की तरह ही प्रयोग की जाती है। जैसे बादल गरज रहा है, तो गरज रहा क्या हुआ, क्रिया। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकना, भौंक रहा, क्रिया। बकरी मिया रही है, तो ये भी क्या हुआ, क्रिया। दरवाजे पर दस्तक हो रही है, दस्तक हो रही, ये हमारा क्या हुआ, क्रिया। तो आज हमने क्या पढ़ा है, क्रिया के बारे में, कि किसी काम के करने या होने से जब हमें शब्द का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। और खाना, पीना, सोना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या है, हमारी क्रिया। और हम जो हमारा वाक्य होता है उस क्रिया के बिना पूरा नहीं हो सकता। यही आज इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।